वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्क फाइबर, नेचुरल सिल्क प्रोटीन फाइबर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम सिल्क फाइबर की सेरिकल्चर को हमने डिस्कस किया था, सिल्क फाइबर का हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। आज हम जो है सिल्क की अलग अलग जो वेराइटी है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिल्क की जो है प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सिल्क फाइबर को। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर सम फॉर्म ऑफ विच कैन बी ओवन इनटू टेक्सटाइल। सिल्क हमारा नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, इसका जो है सिल्क फाइबर का कुछ रूप में हम टेक्सटाइल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सिल्क इज कॉमनली कंसिडर टू द क्वीन ऑफ द फाइबर। सिल्क को हम क्वीन फाइबर के रूप में हम जानते हैं, सिल्क को हम क्वीन फाइबर भी कहते हैं जनरली जो है। द चीफ ऑफ सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री आर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, इटली एंड फ्रांस। जो है मेन जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो हमारा जो है चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश, जापान, इटली और फ्रांस है। यहाँ पे आप जो है सिल्क देख रहे हैं, सिल्क जो हम सिल्क वर्म से जो है कोकून फॉर्म होता है और कोकून से जो हमारे जो है फिलामेंट के रूप में हमें सिल्क प्राप्त हो जाता है। फिर इस फिलामेंट से हम फैब्रिक के रूप में सिल्क को कन्वर्ट कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। वेराइटीज ऑफ सिल्क, देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। यहाँ पे सिल्क की बहुत सारी वेराइटी मिलती हैं, बट फोर मेजर वेराइटीज आर कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, जिसको हम कमर्शियल रूप से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म विच इज टर्न फीड ऑन नंबर ऑफ फूड प्लांट्स। कह रहे कि जो हमारी फोर जो डिफरेंट वेराइटीज हैं, स्पेसीज हैं, ये जो है अलग अलग स्पेसीज से जो है सिल्क वर्म से जो मिलती है। जनरली इसकी स्पेसीज जो है डिपेंड करती है फूड प्लांट्स पे, कि ये जो है इसके वर्म्स जो कीड़े हैं वो किस तरीके की जो है फीडिंग लेते हैं या किस तरीके का जो है पत्तियों को जो है खाते हैं, इस पे हमारी वेराइटीज जो है डिपेंड करती है। जनरली जो है दीज आर मलबरी सिल्क, जो मलबरी प्लांट की पत्तियों को जो है शहतूत की पत्तियों को जो कीड़ा खाता है वो उससे जो हमें सिल्क मिलता है उसको हम मलबरी सिल्क कहते हैं। टसर सिल्क, एरी सिल्क एंड मुगा सिल्क, दीज एक्सेप्ट मलबरी को छोड़ करके अदर वेराइटीज ऑफ सिल्क आर जनरली टर्म्ड एज नॉन मलबरी सिल्क। इंडिया हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल दोज कमर्शियल वेराइटीज ऑफ सिल्क। इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम इस सिल्क की चारों वेराइटीज को जो है प्राप्त करते हैं, कमर्शियल रूप से जो है हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं सिल्क की वेराइटीज का। यहाँ पे हम एक एक सिल्क को डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं मलबरी सिल्क को। मलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वर्म, जो है सिल्क के कीड़े से हमारी मलबरी सिल्क प्राप्त होती है। बॉम्बिक्स मोरी, इसका जो कीड़ा होता है वो बॉम्बिक्स मोरी, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली सॉफ्ट जो सिल्क होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, फाइनर एंड मोर लस्टरस देन टसर सिल्क। आप जनरली जो है टसर सिल्क के कंपेरिजन में हमारी जो है ज्यादा जो है मलबरी सिल्क जो है लस्टरस होती है। और दिस सिल्क प्रोड्यूस सेड ऑफ वाइट प्रोडक्ट, और इसका जो सेड होता है हमारा जो है मलबरी सिल्क का जनरली वाइट सेड में जो है प्रोड्यूस होती है। इन इंडिया द मेजर मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर, विच टुगेदर अकाउंट्स फॉर 92% ऑफ द कंट्री टोटल मलबरी रॉ सिल्क प्रोडक्शन। कह रहा है कि ये जो है हमारे मेजर स्टेट हैं इंडिया के जो सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें जो है 92% जो है कंट्रीब्यूशन जो है हमारी मलबरी सिल्क का होता है। यहाँ पे जो है आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं और ये हमारा मलबरी सिल्क जो है मलबरी सिल्क है, मलबरी सिल्क की यहाँ पे जो है सिल्क की हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं। वैसे तो हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे एक रिवीजन के रूप में लेते हैं। हमारा ये सिल्क मौत है, सिल्क मौत से हमें कीड़े, सिल्क मौत से जो हमें एक्स एक्स फार्म हो जाते हैं, एक्स मिलते हैं, और एक्स जो है हमें सिल्क लार्वा जो है प्राप्त होता है। जो एक्स से जो लार्वा निकलता है काफी स्मॉल एंट लाइक दैट एंट जो होता है काफी स्मॉल होता है, और एक कंटिन्यूसली जो है मलबरी प्लांट की पत्तियों को, मलबरी की पत्तियों को खाता है और
इसकी तेजी से, काफी तेजी से इसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होकर के ये लार्वा जो है हमारा फुली मेच्योर लार्वा हो जाता है, और ये अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के आगे की, आगे इसकी लाइफ साइकिल में आगे की स्टेज के लिए ये अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर जो है सिल्क को जो है फार्म करता है। द कैटरपिलर स्पिन ए कोकून ऑफ सिल्क थ्रेड्स अराउंड इटसेल्फ, अपने आप से जो है इस अपने आप से जो है अपने ऊपर जो है सिल्क वार्म को जो फेब्राइन लिक्विड होता है वो जो है तेजी से जो है अपने ऊपर स्पिन करता है, और इस तरीके से हमारा कोकून फार्म हो जाता है। कोकून के अंदर जो हमारा जो प्यूपा है, चिसलीज है, वो इनसाइड जो है वो डेवलप होती है, और इसी स्टेज में हम कोकून को अलग कर लेते हैं। ये फुल्ली डेवलप होने से पहले हम कोकून को अलग करके और सिल्क को सेपरेट कर लेते हैं, ये हम प्रोडक्शन में सिल्क के प्रोडक्शन में ले लेते हैं। और अगर लाइफ साइकिल में देखा जाए तो इस कोकून से जो है हमारा जो है मौत कंप्लीट मैच्योर होकर के, चेस्टलीज हमारी जो है पीपा मैच्योर होकर के, और सिल्क मौत जो है कीड़ा जो है बाहर आता है। और ये जो है कीड़े जो है मेल फीमेल होते हैं, मेल फीमेल एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, सेक्सिंग करते हैं, और सेक्सिंग करने के बाद जो हमारी फीमेल सिल्क मौत होता है वो हमें एक्स एक्स का जो है प्रोडक्शन करता है, और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। टेसर सिल्क, सिल्क मेड फ्रॉम, ये दूसरी वैरायटी है सिल्क की, जो दूसरी वैरायटी है टेसर सिल्क, सिल्क मेड फ्रॉम वाइल्ड सिल्क वार्म इज कॉल्ड टेसर सिल्क, जो है जो वाइल्ड सिल्क यानी जंगलों में जो है जो हमें कीड़े मिलते हैं और उनसे जो जो हमें सिल्क प्राप्त होता है उसको हम वाइल्ड सिल्क कहते हैं। इट इज लेस लस्टरस देन मलबरी, और मलबरी से एक कम लस्टरस, टसर सिल्क कम जो है चमकदार होता है। द नेचुरल कलर ऑफ टसर सिल्क इज यूजुअली नॉट वाइट, जनरली जो है वाइट कलर का हमारा टसर सिल्क नहीं होता, इट कॉपरिस कलर, कॉपरिस कलर यानी कॉपर के कलर का होता है, ब्राउन एंड ग्रे कलर का होता है। इट इज यूजुअली कोर्स देन कल्टिवेटेड सिल्क, और ये जनरली जो है कल्टिवेटेड सिल्क हमारा मलबरी कल्टिवेटेड सिल्क है, उसके कंपेरिजन में जनरली ये सिल्क कोर्स होता है। कोर्स सिल्क मेनली यूज फॉर फर्निशिंग एंड इंटीरियर्स, जो हम होम फर्निशिंग में हम जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं, और इंटीरियर डेकोरेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टसर सिल्क का। एरी सिल्क हमारी अगली वैरायटी है, एरी सिल्क, इट इज आल्सो फाउंड इन बिहार वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, आल्सो नोन एज ईडी आर इरंडी, दिस सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई द एरी सिल्क वार्म, ये जो है ये सिल्क जो है किससे मिलता है, एरी सिल्क वार्म से मिलता है, इरी सिल्क के कीड़े से मिलता है। दिस वार्म्स फीड मेनली ऑन कैस्टर एंड केसरू, और इसका जो कीड़ा होता है कैस्टर की पत्तियों को और केसरू की पत्तियों को जो है खाता है। तो इस तरीके से हमें एरी सिल्क जो है प्राप्त हो जाती है। ये आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं एरी सिल्क का। मूगा सिल्क, सिल्क में जो है हमारी काफी कॉस्टली वेरायटी होती है मूगा सिल्क की। मूगा द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ सिल्क, काफी जो है महंगी वैरायटी जो है सिल्क की, जो है काफी महंगी वैरायटी होती है मूंगा सिल्क। मूंगा इज इंस्टिंक्टिवली ओवन इनटू कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम, आसाम का जो है एक कल्चरल ट्रेडिशन में जो है मूंगा सिल्क जो है आती है। द वाइब्रेंट शूल कुची शारीज एंड मेखला चद्दर्स आर द ट्रेडिशनल आइटम मेड फ्रॉम मूगा सिल्क। मूगा सिल्क से जो है द वाइब्रेंट सुलकुची साड़ी जो है इससे जो है जो हमारी ट्रेडिशनल होती है इस सिल्क से बनती है, और मेखला चद्दर जो है इस मूगा सिल्क से जो है फार्म किया जाता है, बनाया जाता है। ये लाइफ साइकिल है मूगा सिल्क की। अदर टाइप ऑफ सिल्क, जो अदर इस इन वैरायटी के अलावा जो हम सिल्क के मार्केट में और भी वैरायटी जो है इस्तेमाल होती हैं, जनरली जो है ये सिल्क से ही होते हैं। कौन कौन से सिल्क होते हैं देखते हैं। खादी सिल्क, इन खादी सिल्क द रेशियो ऑफ खादी एंड सिल्क फैब्रिक इज 50-50, दिस फैब्रिक रिक्वायर ड्राई क्लीनिंग। रॉ सिल्क को हम किसको कहेंगे, सिल्क थ्रेड दैट हैज बीन रील्ड फ्रॉम कोकून, जो कोकून से सीधे जो है रील कर लिया जाता है सिल्क थ्रेड, उसको हम रॉ सिल्क, एंड इज स्टिल इन नेचुरल स्टेट, और ये जो है नेचुरल स्टेट में होता है, इसमें हम जो है किसी तरीके का कोई केमिकल जो है चेंजिंग नहीं करते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ फिब्रैन, जो हमारा सिल्क जो है फिब्रैन से बना होता है, तो ये कंप्लीटली जो है फिब्रैन फॉर्म में होता है। फिब्रैन विच अबाउट 10-25% से रिसिन
और जो फिब्राइन और सेरसिन का मिक्सअप होता है सिल्क में, और जो रॉ स्टेज में हमारा सिल्क होता है उसी से जो हमारा फिलामेंट प्राप्त होता है उसको हम रॉ सिल्क कहते हैं। रॉ सिल्क इज गोल्डन येलो इन कलर एंड समवॉट स्टिफ। जनरली जो है हमारा जो रॉ सिल्क होता है गोल्डन येलो कलर का होता है और स्टिफ होता है, थोड़ा कड़ा होता है। ये आप जो है रॉ सिल्क देख रहे हैं, रॉ सिल्क। मुक्ता सिल्क, मुक्ता सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम वेस्ट मलबरी सिल्क बाई हैंड स्पिनिंग विदाउट रिमूविंग द गम सेरिसिन। कह रहा है कि मुक्ता सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम वेस्ट मलबरी सिल्क। जो वेस्ट मलबरी सिल्क का जो वेस्ट होता है, वेस्ट यानी स्टेपल फाइबर होता है, उस सिल्क से जो हमें जो स्पिनिंग से जो सिल्क यार्न प्राप्त होता है और फैब्रिक प्राप्त होता है उसको हम मुक्ता सिल्क कहते हैं। जनरली इसमें गम सेरिसिन जो है लगा रहता है, इसको हम रिमूव नहीं किए रहते हैं, उस सिल्क को हम मुक्ता सिल्क कहते हैं। अदर टाइप ऑफ सिल्क, डिगमिंग थ्रोन सिल्क। डिगमिंग थ्रोन सिल्क जो है, हम किसको जो है डिगमिंग थ्रोन सिल्क कहेंगे? टू अचीव द डिस्टिंक्टिव सॉफ्टनेस एंड शाइन ऑफ सिल्क। जो है हमें अगर सिल्क में जो है शाइन चाहिए और सॉफ्टनेस चाहिए तो हम सिल्क की जो है डिगमिंग करते हैं। यानी डिगमिंग प्रोसेस में सेरिसिन मटेरियल जो है रिमूव हो जाता और जो फिब्राइन होता है जिससे सिल्क हमारा बना होता वो बचता है। द रिमेनिंग सेरिसिन मस्ट बी रिमूव। जो है जो सेरिसिन को हम इस डिगमिंग पोर्शन डिगमिंग में जो है रिमूव करते हैं, रिमूव फ्रॉम द यार्न बाय सोकिंग इट वार्म सोपी वाटर। वार्म सोपी वाटर में हम जो है यार्न को डिप करते हैं, पास करते हैं और वहां पे हमारी सेरिसिन रिमूव हो जाती है। द डिगमिंग डिक्रीज द वेट ऑफ द यार्न बाय एज मच 25%। और इस डिगमिंग प्रोसेस में जो है यार्न का 25% वेट जो है डिक्रीज हो जाता है। स्पन सिल्क, सिल्क मेड फ्रॉम ब्रोकन कोकून। जब हम जो है ब्रोकन फाइबर से, स्टेपल फाइबर से जो है सिल्क के का धागा जो प्रिपेयर करते हैं उस केस में हम जो है उसको स्पन सिल्क कहते हैं। आप यहाँ पे स्पन सिल्क देख रहे हैं, जनरली ए डार्क मैटमैलिक कलर में हो जाता है। फ्रॉम विच द मोथ हैव ऑलरेडी इमर्ज्ड एंड शॉर्ट फाइबर फील मोथ लाइक कॉटन। जनरली जो है जो मोथ, जब कीड़ा कोकून से कूड़ा जो है मोथ निकलता है तो हमारे जो है सिल्क ब्रेक हो जाते हैं, फिलामेंट हमारे ब्रेक हो जाते हैं, वो सभी फिलामेंट को हम कलेक्ट कर लेते हैं और ये हम स्पन सिल्क उसको जो है ब्रेक सिल्क को हम स्पन सिल्क स्पन यार्न जो है प्रोड्यूस करते हैं, लाइक दैट कॉटन। वेटेड सिल्क, सिल्क दैट इज कलर्ड विथ डाई एंड टू विच मेटेलिक सब्सटेंस हैव बीन एडेड ड्यूरिंग द डाइंग प्रोसेस। कह रहे कि जो हमारा वेट लॉस होता है डिगमिंग प्रोसेस में, और यहाँ पे हम जो है इस प्रोसेस में वेट को ऐड करते हैं, वेट को हम इंक्रीज करते हैं डाइंग प्रोसेस में। द सिल्क दैट कलर्ड विथ डाई एंड टू विच मेटेलिक सब्सटेंस हैव टू बी एडेड। मेटेलिक सब्सटेंसेस हम इस सिल्क के साथ ऐड करते हैं ड्यूरिंग द डाइंग प्रोसेस। डाइंग प्रोसेस में दिस ऐड बैक वेट विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग द डिगमिंग। जो डिगमिंग में वेस्ट लॉस्ट हुआ था उस वेट को हम यहाँ पे गेन करते हैं। एंड ऑल्सो एड बॉडी टू द फेब्रिक, और हम यार्न में और फेब्रिक बॉडी में हम ऐड करते हैं। इफ वेइंग इज नॉट डन प्रॉपरली इट रिड्यूस द लाइफ ऑफ द फेब्रिक। और अगर हम वेइंग जो है प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हमारी फेब्रिक की लाइफ जो है कम हो जाती है। प्योर सिल्क, प्योर डाई सिल्क इज कंसिडर्ड सुपीरियर। और जब हम ये वेइंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो प्योर डाई सिल्क जो है हमारी क्वालिटी काफी सुपीरियर इंप्रूव हो जाती है। फॉर्म द फोर बेसिक कैटेगरीज ऑफ सिल्क, द अदर सिल्क फैब्रिक आर मेड विच आर। कह रहे कि फ्रॉम द फोर बेसिक, इन जो हमने चार जो बेसिक ऊपर जो है वैरायटी को डिस्कस किया उसके अलावा हमारी सिल्क की जो अदर वैरायटी है, अदर सिल्क के जो है फैब्रिक है वो कौन कौन से हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। शिफान, चाइना सिल्क, चार्मीज, जैकार्ड, नॉयल और गेंजा सिल्क, कॉटन सिल्क, क्रेप सिल्क, ब्रोकेट सिल्क, टफेटा सिल्क, थाई सिल्क, साटिन सिल्क एंड ब्लेंडेड सिल्क। दिस सिल्क आर आल्सो यूज्ड इन मार्केट्स। जो है हम इन सिल्क को भी जो हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो हमने फोर मेजर जो वैरायटी हमारी कमर्शियल वैरायटी है उसके अलावा इस सिल्क ये अदर सिल्क की वैरायटीज को भी हम फैब्रिक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप जो है यार्न देख रहे हैं, यार्न से जो है कलर्ड यार्न हम अगर चाहिए तो हम कलर्ड यार्न प्रोड्यूस कर लेते हैं और हम इस फैब्रिक यार्न से जो है हम
लूम पे फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं और फैब्रिक से हम गारमेंट गारमेंट में और अदर जो है पर्पज में हम इस्तेमाल करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क, हम सिल्क के जो है केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे कि हमारा सिल्क का जो है किन किन केमिकल्स से जो है किससे बना होता है सिल्क। जनरली हमारे सिल्क में जो है फिब्राइन होता है, जिससे जो सिल्क फाइबर होता है वो फिब्राइन प्रोटीन से बना होता है। और इस फिब्राइन के अलावा जो है हमारे सिल्क में अदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इम्प्योरिटीज होती हैं सेरिसिन 22%, वैक्स 1.5%, मिनरल साल्ट कलर पिगमेंट एंड अदर 0.5%, टोटल इम्प्योरिटीज 24% एंड जनरली फिब्राइन 76% हमारा फिब्राइन होता है जो सिल्क मटेरियल होता है, टोटल 100% इस तरीके से इसके कंपोजिशन से हमारा सिल्क फाइबर जो रॉ सिल्क होता है, रॉ सिल्क में इसका कंपोजिशन इन केमिकल का कंपोजिशन हमें मिलता है। केमिकल अलग अलग हम यहाँ पे जो फोर वेराइटी जो हमारी मेजर कमर्शियल वेराइटी है, फिब्राइन जिसमें जो है 70-80%, टसर में 80-90%, मुगा में 80-90%, इरी सिल्क में 80-90%, सेरिसिन जो होगा सेरिसिन का जो प्रोपोर्शन होगा 20-30% और टसर सिल्क में 8-10%, मुगा में 8-10% और इरी सिल्क में 4-5%, एंड अदर जो है अदर जो कंपोनेंट होंगे केमिकल के 2-3% एंड 3-5%, 3-9% एंड 3-5%। इस तरीके से हम केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सिल्क, सिल्क जो है माइक्रोस्कोप से हम फैब्रिक फाइबर आइडेंटिफिकेशन के रूप में अगर हम देखते हैं तो हमारा सिल्क कैसा दिखता है, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो हमारा सिल्क किस तरीके का दिखता है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू और क्रॉस सेक्शनल व्यू। यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू को देख रहे हैं। ऑन द लेफ्ट द लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द सिल्क फाइबर अनडिग्यूम्ड, यानी ये जो ए पोर्शन है ए लेफ्ट साइड में लॉन्गिट्यूडनल व्यू अनडिग्यूम्ड, यानी जो है ये जो सिल्क है वो जो है विदाउट डिग्यूमिंग सिल्क है, जिसपे जो है सेरिसिन की लेयर जो है सेरिसिन जो है इसके ऊपर कोटेड है, तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ सिल्क फाइबर डिग्यूम्ड, ये हमारे डिग्यूम्ड जो है सिल्क है जिसमें हमारा सेरिसिन मटेरियल जो है रिमूव हो जाता है, तो हमारा सिल्क जो है लॉन्गिट्यूडनल व्यू में कैसा दिखेगा, ये मलबरी है, ये मलबरी इस तरीके से दिखता है और बी टसर सिल्क है और ए मुगा सिल्क है और हमारा एरी सिल्क है। क्रॉस सेक्शनल व्यू डिग्यूम्ड का हम देख रहे हैं, ये हमारा जो है मलबरी सिल्क है, ये टसर सिल्क है, मुगा सिल्क है एंड एरी सिल्क है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर के हम फिजिकल प्रॉपर्टी, लेंथ सिल्क इज लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ अबाउट 1000 मीटर, अनब्रोकन फिलामेंट जो है फिलामेंट जो है हमें 300-1200 मीटर तक के जो है हमें फिलामेंट कंटिन्यूस फिलामेंट जो है सिल्क से प्राप्त होते हैं। डायमीटर 0.013-0.08 mm, डेनियर के रूप में जो हमें फिलामेंट मिलेगा वो किस डेनियर का होगा 2-3 राइज स्टेज में एंड 1-1.3 वाइल्ड स्टेज में, यानी सेरिसिन जब रिमूव हो जाता है। माइक्रोस्कोपी क्रॉस सेक्शनल इलिप्टिकल शेप में दिखता है हमारा सिल्क फाइबर, लॉन्गिट्यूडल व्यू रफ सरफेस जो हमें प्रतीत होती है। मॉइस्चर रिगेन 11% एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेंसाइल स्ट्रेंथ 3-4.5 ग्राम पर डेनियर, हमारी जो है स्ट्रेंथ सिल्क फाइबर की स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। इलोंगेशन 18-22%, इलोंगेशन काफी अच्छी है सिल्क फाइबर के। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पुअर कंडक्टर फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होता है सिल्क फाइबर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज, और सिल्क फाइबर पे स्टैटिक चार्ज जो है होता है, इस प्रोसेस में हम इसको रिड्यूस करते हैं। डेंसिटी 1.33 ग्राम पर cc राइज स्टेज में एंड 1.25 ग्राम पर cc बॉइल्ड स्टेज में, यानी क्लीन स्टेज में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर, एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट होता है सिल्क फाइबर पे, एट 170 डिग्री सिल्क इज रैपिडली डिस इंटीग्रेटेड ऑन बर्निंग, इट लिबरेट एंड कलर सिमिलर टू बर्निंग, और जो 170 डिग्री पे हमारा सिल्क जो है डिसइंटीग्रेट होना डिकम्पोज होने लगता है। एक्शन ऑफ एसिड, एसिड का क्या इफेक्ट हुआ, लश्चर ऑफ सिल्क इंक्रीज एंड इट एब्जॉर्ब द डायलूट एसिड, इट कैन डिकम्पोज बाय स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व द सिल्क। जो हमारा सिल्क फाइबर है ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड जो है सिल्क इसको डिकम्पोज करते हैं।
अदरवाइज जो है जो डायलूट सिल होता है इसके लस्टर को इम्प्रूव करता है। एक्शन ऑफ एल्कली, एक्स एल्कली का क्या क्या इफेक्ट होगा, क्षार का क्या इफेक्ट होगा, सिल्क इज नॉट सेंसिटिव टू डायलूट एल्कली बट स्ट्रॉन्ग कास्टिक सोडा डिजॉल्व द सिल्क। सिल्क जो है स्ट्रॉन्ग कास्टिक सोडा जो है सिल्क फाइबर को डिजॉल्व कर देता है, बट नॉट सेंसिटिव, बट जो है डायलूट के साथ जो है डायलूट जो है इसको ज्यादा डैमेज नहीं करता। इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लीन सॉल्वेंट एंड स्पॉट रिमूविंग सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एसीटोन एटसेट्रा डू नॉट डैमेज द सिल्क। जो है जो क्लीनिंग सॉल्वेंट होते हैं ड्राई क्लीनिंग में जो जनरली इस्तेमाल होते हैं वो हमारे सिल्क फाइबर को डैमेज नहीं करते हैं। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है, सनलाइट टेंड टू एक्सीलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्क, यानी जो हमारा डैमेज होने का जो रेशियो है वो फास्ट हो जाता है सनलाइट के इफेक्ट से, यानी सनलाइट जो है इस हमारी सिल्क की क्वालिटी को जो है पुअर करता है। इट इंक्रीज ऑक्सीडेशन एंड रिजल्ट इन द फाइबर डिग्रेडेशन। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिल्क, सिल्क इज रेजिस्टेंस टू अटैक मिल्ड्यू, जो है मिल्ड्यू का जो है इस पर कम इफेक्ट होता है। अदर बैक्टीरिया एंड फंगी, इट इज डिकम्पोज बाई रॉट प्रोड्यूसिंग कंडीशन, और ये जो है डिकम्पोज जो है आसानी से हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सिल्क, होम टेक्सटाइल में हम जो है इसका एप्लीकेशन देखेंगे, डेकोरेटिव कर्टेन, अपहोस्ट्री, सिल्क थ्रोन एंड पिलो, ये हमारे होम टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है। अप्रैल टेक्सटाइल में सिल्क साड़ी, सिल्क की जो है मैक्सिमम साड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। डेकोरेटिव आउटर वियर, डेकोरेटिव जो है आउटर वियर हमारे जो है फैब्रिक बनाए जाते हैं। मेडिकल टेक्सटाइल में जो है एब्जॉर्बेंट पैड के रूप में जो है हम इस सिल्क फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। एंड वाउंड कॉन्टेक्ट लेयर, और जो है किसी चीज को जो है रैप करने में जो है हम इस सिल्क फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है सिल्क फाइबर को देखा और यहाँ पे सिल्क की अलग अलग वैरायटी को डिस्कस किया और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशन को हमने सिल्क के देखा। मैं समझता हूँ सिल्क फाइबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।